What's up guys, I hope you are doing very well. अमित चाहता हूँ आप ठीक होंगे, सेफ होंगे. आज मैं आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी बताना चाह रहा हूँ. ये है चिकन कढ़ाई के लिए हमें चाहिए. मैंने 1 किलो चिकन लिया है, साथ में मैंने चार से पाँच टोमेटो लिए हैं फ्रेश, इसको मैंने ग्राइंड करके रख लिया. अनियन, 2 अनियन मैंने मीडियम ये ग्राइंड करके रखे हुए, जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा हुआ है, ग्रीन चिल्ली है. उसके लिए जो हमारे स्पाइसी चाहिए, टर्मरिक चाहिए, गरम मसाला चाहिए, सॉल्ट चाहिए, रेड चिल्ली पाउडर चाहिए, ब्लैक पेपर और क्यूमन सीड पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर, और हमें साथ चाहिए कड़ी पत्ता. हमें ये फ्रेश क्रीम चाहिए. चलो हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं. यस, अभी मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगा. जो कढ़ाई मेरी काफ़ी तेज गर्म हो चुकी है, इसके अंदर 1 कप ऑयल डाला है मैंने. इसको हल्का सा गर्म होने दूँ और ज़्यादा, मुझे लगता है ये काफ़ी गर्म है. और इसके अंदर मैं ये चिकन डाल दूँगा. ज़्यादा ध्यान रखें इसके जो बबल्स हैं ना, वो बहुत सारे आएंगे. कच्ची को हिलाते रहना है क्योंकि ये नीचे ना लगे. इससे ज़्यादा थोड़ा सा जब ये हल्का सा जो ऑयल इसके चिकन को सारा टच करने का, तो फिर हम इसको कवर कर देंगे. फिर चिकन जो अपना पानी छोड़ देगा और साथ हल्का हल्का तो फ्राई हो जाएगा. ये बेसिकली रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है जो फेमस लाहौर के अंदर, जिधर मैं काम करता रहा हूँ उधर ये ऐसे बनाते थे. आज वही तरीके से नेक्स्ट जो मैं आपको कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा विदाउट अनियन के साथ, ओनली टमाटो प्यूरी के साथ, फ्रेश टोमेटो प्यूरी के साथ. तो ज़्यादा जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, इसको मैं 3 मिनट के लिए इसको डाल देता हूँ. ये देखिए हल्का सा फ्राई हो चुका है. जब हमारे अनियन अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे, तो अभी इसके अंदर मैं डालूँगा जी सम स्पाइसेस. और जी अभी मैं जो हमारी ग्रीन चिल्ली है वो डालूंगा और साथ में कड़ी पत्ता ये डालूंगा, जिंजर गार्लिक डालूंगा और साथ ही रेड चिली, सॉल्ट, गरम मसाला और हल्दी. कुक करूँगा 2 मिनट. कुक करने के बाद इसकी देखिए ज़रा कलर देखिए इसका चेंज हो चुका. थोड़ा सा पानी लगाऊंगा इसके अंदर, फिर साथ ही इसको हिलाऊंगा. और अभी साथ ही इसके अंदर में जो मैंने टोमेटो पेस्ट, फ्रेश टोमेटो पेस्ट की पेस्ट है बनाई, वो डाल दूँगा. इसको फिर मैंने 5 से 6 मिनट तक कुक करने के लिए छोड़ दिया. ये हमारा पानी जो कुशक हो चुका है, ग्रेवी रेडी हो चुकी है हमारी. अभी जो बाकी स्पाइसेस बचे हुए हैं वो मैं ऐड कर दूँगा, ब्लैक पेपर और लेमन पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर करूँगा. फ्लेवर आएगा ना. और साथ ही इसके अंदर क्रीम डाल दूँगा.
करूंगा 3 मिनट के लिए। यस गाइस, हमारी ऑलमोस्ट चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है, तो फिर मैं अभी आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा, पेस्ट रेडी है एवरीथिंग। गाइस अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है, रेस्टोरेंट स्टाइल की। यस, अभी मैं इसको गार्निश कर दूंगा। यस गाइस, दिस इज चिकन कढ़ाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है, अभी ये हमारी रेसिपी वेरी इजी रेसिपी थी, आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज आवर चिकन कढ़ाई।